हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं गॉसिप टाउन और मैं हूं आपके साथ कृतिका। सनी देओल की फिल्म गदर 2 धूम मचा रही है बॉक्स ऑफिस पर। इस फिल्म ने कई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और कई सारे नए रिकॉर्ड्स क्रिएट भी कर दिए हैं। ऐसे में हर तरफ सनी देओल का ही बोलबाला है। लेकिन क्या आपको पता है, सनी के घर पर जहां एक तरफ गदर 2 की सक्सेस को एंजॉय किया जा रहा है, वहीं अब उनके घर पर एक नई खुशखबरी आ गई है। जी हां, अब आप कहेंगे आखिर क्या खुशखबरी है। अभी बीते दिनों ही तो उनके बेटे की शादी हुई है। क्या करण पापा बनने वाले हैं और सनी दादू? तो मैं आपको कहूंगी नहीं गाइज, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि यहाँ पर तो कुछ कनेक्शन है देओल परिवार का। दरअसल अब देओल परिवार एक होता नजर आ रहा है। मैं बात कर रही हूँ ईशा देओल की और सनी देओल की, जो कि अब एक दूसरे के आ रहे हैं करीब। जी हाँ, इन सौतेले भाई बहनों में अब प्यार बढ़ता ही जा रहा है। बता दें आपको कि सनी देओल ईशा देओल के साथ अब बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करने लगे हैं, और इस बात का जो बड़ा सबूत है वो तब मिला जब ईशा देओल ने अपने घर पर गदर 2 की स्क्रीनिंग रखी। और लगातार ईशा देओल गदर 2 की सक्सेस को शेयर कर रही है और काफ़ी ज़्यादा खुश भी नज़र आ रही है। और इसी बीच मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक बड़ी अपडेट सामने आई है कि अब सनी और बॉबी अपनी बहन के घर जाने वाले हैं। जी हाँ, पहली बार ये पहला मौका होगा जब सनी और बॉबी ईशा देओल के ससुराल में जाएंगे और वहाँ पर अपनी बहन से बंधवाएंगे अपनी कलाई पर राखी। अब तक आपने कभी नहीं सुना होगा कि ईशा और सनी के बीच में इतना प्यार हो, लेकिन पहली बार गदर 2 ने इन दोनों बिछड़े हुए भाई बहनों का मिलन करवा दिया है। और अब यही माना जा रहा है कि रक्षाबंधन ये भाई बहन, सौतेले भाई बहन साथ में मनाने वाले हैं और ढेर सारी खुशियों को भी शेयर करते नज़र आएंगे। और ये तमाम चीज़ें देखकर धर्मेंद्र बहुत ज़्यादा खुश है और वो लगातार अपने बच्चों को ढेर सारी बधाई दे रहे हैं और उन्हें देखकर निहाल हुए जा रहे हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए। इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए गॉसिप टाउन।